फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं सुधा मेहता। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और आज है मंडे, तो मैं सोच रही हूँ मंडे का ब्लॉग बनाती हूँ। तो आज से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड की ऑफिस की छुट्टी रहती है बट कुछ काम था इसलिए उनको जाना पड़ा। कुछ क्लाइंट वगैरह आने वाले थे ऑफिस में, तो वो अभी चले गए हैं और खाना वाना नहीं खाए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं हुआ है अभी। तो अभी मुझे दवा खाना होता है इसलिए मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैं नॉर्मल सा केलॉग्स रखी हूँ घर में और दूध गर्म करके केलॉग्स ही खा लेती हूँ। और कुछ मंडे को मैं संडे समझती हूँ, मेरे लिए संडे रहता है मंडे। तो आज कुछ बनाऊँगी खाने के लिए खास, देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी तो हस्बैंड चले गए, एक घंटा के बाद वो आएँगे तो कुछ बनाऊँगी। और बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाली थी तो सोची कि ब्लॉग डालती हूँ। मैं ब्लॉग बना रही थी, शूट कर रही थी, एक दो दिन पहले भी ब्लॉग वगैरह शूट की हूँ बट किसी कारण से मैं उसे पूरा नहीं कर पाती थी और फिर वो रह जाता था। तो मैं आधा अधूरा ब्लॉग नहीं डालना चाहती थी तो नहीं डाल पाती थी। मैं परसों भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट की बट मैं उसे पूरा ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं भूल गई और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है अभी, इधर तबीयत ठीक नहीं चल रहा है तो इस कारण से मेरा मन नहीं करता है। तो इस कारण से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन बहुत सारे मेरे फ्रेंड लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही, ब्लॉग डालिए, बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाली हैं आप इसलिए ब्लॉग बना रही हो। और कोशिश करूँगी, कंटिन्यू करूँ इस चीज़ को क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ लड़की हूँ, भूल जाती हूँ। अभी जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ब्रश कर चुकी हूँ, ब्रश करके बैठी तो सोच आप लोग याद आ गई, सोची कि चलो ब्लॉग शूट करते हैं। और जस्ट सो के ही उठी थी अभी मैं और लिप बम लगाई हूँ थोड़ा सा क्योंकि मेरे लिप बहुत फट रहे हैं और पिंपल्स भी बहुत निकल रहे। देखिए अभी आज यहाँ पे एक पिंपल्स निकल गए। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है पटना में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी इसलिए पिंपल्स निकल रहे हैं। मेरे सर में भी बहुत सारे पिंपल्स निकल चुके हैं और थोड़ा दिन के लिए मुझे रेस्ट है इसलिए मैं रेस्ट में ही रहती हूँ, कहीं जा नहीं पाती हूँ। लेकिन अब रेस्ट ख़त्म हो गया, अब इधर उधर जा सकती हूँ लेकिन इतनी गर्मी है कि निकल नहीं पाती हूँ, तो घर में ही रहती हूँ इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। तो आइए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मैं आती हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेके क्योंकि लेट हो जाएगा और दवा भी खाना है मुझे। ये केलॉग्स और ये मैं दूध के साथ लेती हूँ सुबह सुबह, तो मैं आजकल इसी का ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मॉर्निंग में क्योंकि मेहनत भी कम लगता है और मेरे घर पे कोई ब्रेकफास्ट करना नहीं चाहता है, एक ही बार सब लोग खाना खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ऐसे जिम जाते हैं बट मंडे को जिम नहीं रहता है तो वो जिम जाते हैं, आते हैं 11:30 बजे तक और अंडा खाते हैं और उनका कुछ शेक है वो पीते हैं, उसमें वो खाना ही खा लेते हैं डायरेक्ट, इसलिए ब्रेकफास्ट बनाती नहीं हूँ। और टुनटुन भी ब्रेकफास्ट नहीं करता है मॉर्निंग में, उसे अच्छा ही नहीं लगता ब्रेकफास्ट करना, तो इसलिए मैं ये केलॉग्स ला के रखती हूँ कि मैं क्योंकि मुझे दवा खाना होता है तो मुझे ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी होता है और अकेले खाना बनाने का मन नहीं करता है इसलिए मैं यही खा लेती हूँ, खा के दवा खा लेती हूँ और ये टेस्टी भी लगता है खाने में। तो मेरा यही आजकल रूटीन है, ब्रेकफास्ट केलॉग्स ही खाती हूँ मैं और जल्दी समय से खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ खाना क्योंकि अभी किचन की सफाई हो रही है, बर्तन धुल रही है और साफ़ होने के बाद किचन, उसके बाद मैं किचन में चली जाऊँगी खाना बना के उसके बाद नहा लूँगी क्योंकि गर्मी बहुत है। अगर नहा के खाना बनाने जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगने लगती है, फिर से नहाने का मन करने लगता है, इसलिए मैं एक ही बार खाना वगैरह बना लेती हूँ उसके बाद नहा के आराम से रूम में रेस्ट करती हूँ क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। बहुत मुझे लगता है 40 डिग्री शायद है, 40 डिग्री या 41 डिग्री हो गया होगा पटना में, बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, इसीलिए खाना बना के नहाती हूँ आराम से, उसके बाद खा के रेस्ट करती हूँ। तो मैं इसे फिनिश करती हूँ फिर बात करती हूँ। तो 2 बजे ये आए हैं लेके और मेरे पिंपल्स बहुत दिख रहे हैं अभी लाइट में आए तो, और मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक। ये मटन लेके आए हैं अभी, ये बनेगा और मोटेने का मटन धुल रहा है। तो 2 बज गया क्योंकि ऑफिस में बहुत काम था और मिल भी नहीं रहा था तो पता नहीं ये कहाँ से लेके आए, बहुत दूर से लेके आए हैं। और मैं स्टार्ट कर दी हूँ बनाना, प्याज फ्राई कर रही हूँ। ये मैं मसाला पहले मिला देती हूँ मटन में, 10-15 मिनट छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं डालती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। इसमें मैं लहसुन पीसी हूँ, लहसुन और आदी डाली हूँ और खड़ा गर्म मसाला डाली हूँ और धनिया पाउडर डाली हूँ, इसको भी मिला दूँगी और मिला के उसके बाद मैं इसमें फ्राई करूँगी, प्याज फ्राई करने के बाद फिर डालूँगी। और मुझे आज पुलाव खाने का बहुत मन कर रहा था तो उसके साथ मैं पुलाव बनाऊँगी क्योंकि बहुत दिनों से पुलाव नहीं बनाई हूँ, चावल बचे हुए हैं पुलाव वाले थोड़े से, तो मैं उससे पुलाव बना लूँगी।
और गर्मी बहुत है, नहाने का मन कर रहा है लेकिन खाना बनाने के बाद नहाऊंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैं कैसा मेरा पूरा हालत लग रहा है देखने में। और टेनी भी गर्मी से बहुत परेशान है, किचन में आ गई। चलो बेटा आ जाओ बाहर, किचन में आ गई है ये, इधर उधर सो रही है, कभी वॉशरूम में जाकर सो रही है, अभी नीचे चली गई टेनी। यहाँ पे ठंडा जैसा लगता है, नीचे में अंधेरा लगता है, इसलिए यहाँ पे रहती है। और ये देखिए मेरी फिश, ये न्यू एक्वेरियम आया है। और बहुत सारे फिश है उधर भी, दो तीन होंगे उधर भी हैं। एक ये गंदा खाने वाली फिश है, ये चिपकी रहती है हमेशा किसी न किसी एक्वेरियम में, चिपकी रहेगी शीशे पे चिपकी रहती है या फिर नीचे चिपकी रहती है ये। और ये किसिंग फिश है, किसिंग सबको किस करते रहती है ये। ये वाली बहुत प्यारी लग रही है, देखिए मेरा आधा मटन बन चुका है और मसाला वगैरह फ्राई कर रही हूँ मैं, उसके बाद पुलाव बनाऊँगी। टेनी का भी चढ़ा हुआ है चिकन, नहीं उसका मटन ही है, चिकन नहीं था, उसका भी मटन ही आया आज। और इसे भी रेडी होने में आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि कढ़ाई में बनाती हूँ तो कम से कम एक घंटा लग ही जाता है। तो ये रेडी हो रहा है, आधा घंटा और लगेगा, 15 मिनट के बाद पुलाव बनाऊँगी। तो मैं पुलाव बनाना स्टार्ट करती हूँ और ये मेरा भून चुका है पुलाव। मैं सिंपली सिर्फ ये डाली हूँ मिर्ची और गरम मसाला डाल के बना रही हूँ, थोड़ा सा घी डाली हूँ उसमें। और अभी मैं जा रही हूँ नहा लेने के लिए, चिकन भी लगभग हो गया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा और ये पकेगा, तब तक के लिए मैं नहा के आ जाती हूँ। मैं नहा ली हूँ और नहा के अभी बस थोड़ा सा सोची मैं कि डे क्रीम लगा लेती हूँ, क्योंकि नहीं लगाई थी और पिंपल्स भी हो रहे थे, दो तीन दिन से डे क्रीम नहीं लगा रही थी, ऐसे नहा के छोड़ दे रही थी। और नहाने के बाद मुझे बहुत ही गर्मी लगता है, तो 5:30 बज चुका है अभी, खाते पीते और सोच रही हूँ 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि काम कंटिन्यू कर रही थी, अब थोड़ा सा रेस्ट करना भी जरूरी है। 1 घंटा रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद मैं निकल जाऊँगी थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मुझे एक सूट सिलवाना है। मैं एक सूट ली हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको वो सूट कैसा ली हूँ। मुझे 1-2 आवर सूट लेना था बट पसंद नहीं आया, तो मैं फिर मार्केट जाऊँगी, क्योंकि धूप बहुत है अभी और गाड़ी भी नहीं इनके पास, इसलिए मार्केट नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं एक सूट दिखाती हूँ और भी मैं सूट लूँगी, मुझे पटियाला पहनने का बहुत शौक सवार हो गया इस बार, तो पहले मैं एक दिखा देती हूँ क्या ली हूँ। तो ये एक सूट जो मैं खरीदी थी, ये सूट का कपड़ा है, सूट पीस है ये, इसे तो मैं हेडफोन लगा ली हूँ, मुझे लगा कि आवाज़ नहीं जा रहा, क्योंकि फ़ैन बहुत तेज़ है तो फ़ैन का आवाज़ ज़्यादा जा रहा होगा, तो मुझे आवाज़ नहीं जा पा रही होगी। तो देखिए ये मैं एक सूट ली हूँ और ये बहुत प्यारा कलर है, येलो है मिक्स, और इसका दुपट्टा ये बहुत प्यारा है। इसे कौन सा जॉर्जेट या फिर इसे कुछ बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसे क्या कपड़े का नाम नहीं पता क्या बोलते हैं। दुपट्टा बहुत प्यारा है, मैं फ़ोल्ड की हूँ, हटा नहीं रही, क्योंकि फिर मुझे फ़ोल्ड करने नहीं आएगा ठीक से, इसीलिए इसमें छोटे छोटे सितारे लगे हुए हैं और ये प्रिंटेड है और सूट भी प्रिंटेड है। और ये नीचे में ऐसा दिया हुआ है और इसमें गला नहीं दिया हुआ है, मुझे गला वाला पसंद नहीं आता, क्योंकि गला फिर
वैसा ही जैसा देता वैसे ही बनवाना पड़ता है। तो ये नीचे बस ऐसा दिया, ऊपर ये प्लेन है सूट, ये समीज है, सलवार है एंड दुपट्टा है। मैं पटियाला सिलवाऊँगी तो मुझे मन कर रहा है कि आज मैं दे दूँ। एक और मेरे पास है जो मैं होली में सिलवाई थी, बट मैं पहनी नहीं थी उसे, जैसे मैं होली में सिलवाई थी बट पहनी नहीं थी। हाँ देखिए इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, पूरी में वर्क किया हुआ, इस तरह का धागा वर्क किया हुआ, ये बहुत ही प्यारा है इसका दुपट्टा। और ये मेरा इस सबका समीज है, ये मैं जब कभी पहनूँगी तो आपको दिखाऊँगी। मैं खोल ले रही हूँ कुल्लू से, ये चंदेरी सिल्क का कपड़ा है, खोलूँगी अभी तो मैं खोल नहीं कर पाऊँगी। और इसका जो पैंट बना था इस पर वो ख़राब कर दिया था, वो तो दूसरे कपड़ा का बना के देगा, मैं लाने नहीं गई तो भी ऐसे ही लेगिंग्स दे दिया था पहनने के लिए, बट मैं होली में से पहनी, मेरा मूड नहीं था पहनने का, मैं पहन ली थी। तो मैं भी थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर रेस्ट करने के बाद फिर निकलूँगी मार्केट, किसी को बस सिलने के लिए देना था। आई हूँ अभी और जा रही हूँ फेस वॉश थोड़ा सा करूँगी फेस पे, क्योंकि काजल वगैरह लगाई थी आज मैं, तो रात में लगा कर नहीं सोना चाहिए। और खाना खा के ही जस्ट आई हूँ अभी रूम में, गर्मी तो बहुत लग रही है। और दिखाती हूँ मैं क्या खरीदी हूँ। ये मेरे हस्बैंड को कुछ शूज लेना था, तो फिर इन्हीं का खरीदा है, मेरा कुछ नहीं खरीदा है, क्योंकि ये बोले मुझे लेने के लिए बट मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जब सोच के जाती हूँ कि मार्केट जाना है मुझे कुछ लेना है तभी। और एक ये फ्री दिया है, मैं पहले फ्री वाला दिखाती हूँ आपको, ये पेडीक्योर करने का, ये फ्री दिया है, इस पेडीक्योर करने का सारा चीज़ है। ये मेरे काम का है, ये मुझे मिला तो मुझे खुशी हुई कि चलो कुछ मिला है। और ये क्या दिया है, ये सारा जूता साफ करने का पता। और ये वाला इनको पसंद आया ब्लैक ये वाला इनको पसंद आया, ये शायद 10,000 का था, 10,000 कुछ का शायद ये दिया है जूता। और मुझे ब्राउन वाला बहुत पसंद आ रहा था, बट ये ब्राउन नहीं लिए, शायद इनके पास ब्राउन है इसलिए नहीं लिए, तो ये लिए हैं। और इनका कपड़ा ये दो दिन पहले ही मैं गई थी ना तो ये लिए थे, बट वो फिटिंग नहीं था, तो एक ये शर्ट लिए हैं। और मैं इसे खोल के नहीं देखूँगी, मुझे इनका नहीं बहुत टाइम लगता है। ये पैंट मेरे पसंद का है, एक्चुअली शर्ट पैंट मेरे पसंद का ही है, ये पैंट अच्छा लग रहा है ना, पैंट मेरे पसंद का है, शर्ट भी मेरे पसंद का है। इसके पहले जो पैंट लिए थे वो लाइट कलर का है, बट ऐसा ही है वो भी, वो ये पसंद किए थे, और ये दोनों मेरे पसंद का है। और जूता इनके पसंद का है क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे वो वाला जूता पसंद था। ये वाला भी मुझे फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा जूता, बट ब्राउन वाले ये पहने तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कोई बात नहीं, अच्छा पसंद से भी पहनना चाहिए। और अब जा रही हूँ मैं, फेस साफ करूँगी और रेस्ट करूँगी, सोऊँगी, थक गई हूँ।
और थक क्या गई हूँ, घूमते घूमते थक गई हूँ, और कुछ मैं की नहीं, खाना भी मुझे नहीं बनाना पड़ा। टेनी भी नीचे सोई, उसको बेड पे अभी बेड साफ़ करूँगी, थोड़ा बहुत झाड़ लूँगी बेड। टेनी का आजकल फिर से बाल गिरने लगा है, और उसके बाद सोऊंगी क्योंकि फिर कल इनका रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, जिम जाते हैं सुबह में। मैं उठती हूँ तो मुझे भी जिम जाना था, लेकिन मैं भी नहीं जाऊँगी, दो तीन दिन बाद से जाऊँगी। और उसके बाद मैं सोची थी कि मंगलवार से जाऊँगी, लेकिन किस कारण से नहीं जा रही हूँ। उसके बाद सुबह में जल्दी उठूँगी, फिर इनका भी कुछ अलग से ब्रेकफास्ट बनाना होता है, वो बनाऊँगी। इसलिए थोड़ा जल्दी कोशिश करती हूँ सो जाने का। कितना भी जल्दी बेड पे आती हूँ ना, तो नींद ही नहीं आता। जो टाइमिंग रहता है सोने का, उसी टाइम में 1 से 2 बज जाता है। और मैं आजकल चाय सोच रही हूँ कम पीऊँ, नहीं पीऊँ, छोड़ दूँ, लेकिन जब छोड़ देती हूँ तो सर में दर्द होने लगता है। अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त की हूँ। और आजकल पता नहीं क्या हो गया, मेरे दांत में भी दर्द होने लगा है, नीचे वाले दांत में, पता नहीं क्या हो गया, देखना होगा। नहीं होता है तो मैं अभी ब्रश करके सोऊंगी। परसों बहुत ही ज़्यादा दर्द था, मुझे दवा खाना पड़ा, और दवा खाने के आधा एक घंटा बाद ये दर्द ठीक हुआ। आजकल मुझे सर दर्द, दांत दर्द, पेट दर्द। रात में तो ऐसा हुआ, कल रात में 2 बजे रात में ना मुझे नींद नहीं आ रहा था, मैं ऐसी मोबाइल पे ही थी, कुछ कुछ देख रही थी। 1:30 बजे रात में, 2 बजे रात में मुझे एकदम ज़ोर से पेट में दर्द होने लगा, शायद गैस से दर्द हो रहा होगा, तो बहुत दर्द होने लगा। फिर मैं गैस का दवा तो अभी चल ही रहा है मेरा, बट मैं खाती नहीं हूँ हमेशा, क्योंकि आदत हो जाता है ना। तो अभी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो गैस का दवा भी वो दी थी 15 दिनों के लिए, बट वो बचा हुआ था, मैं नहीं खा रही थी। तो मैं फिर जल्दी सब वो खाई, दवा खाई, और 10 मिनट के बाद ठीक हो गया। मतलब मुझे तो लगा कि बहुत तेज़ दर्द था, बहुत तेज़, बर्दाश्त नहीं होता, इतना तेज़ दर्द हो गया था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए वो सब चीज़ नहीं खा रही हूँ जिससे गैस हो, हल्का फुल्का ही खाती हूँ। आज तो मटन खा ली, भारी हो गया, लेकिन कल से लाइट खाना ही खाऊँगी। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का दिमाग नहीं चाटती हूँ, ब्लॉग कहीं पर स्टॉप करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आप सभी लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी लोगों को तो मैं गुड न्यूज़ बता ही नहीं, टेनी मम्मी बनने वाली है, टेनी का बाबू होने वाला है। देखो टेनी मोटी हो गई है, 1 महीने के बाद इसका बाबू होने वाला है। ये मम्मा बन जाएगी, टेनी मेरी मम्मा बन जाएगी, चोनू मम्मा बन जाओगी ना बेटा, मेरे सीट पे बैठ के, मतलब मेरी जगह पे ही बैठी है, और बेड में साफ कर लेती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा आप लोग अपना।